Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone, ye hum bahut baar discuss kar chuke hain ki India, because it is a एग्रीकल्चरल स्टेट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, तो हमारे लिए जो भी करंट अफेयर थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, राइट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा, जो कि एक ऐसी चीज है विच इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, जो सबको अफेक्ट करती है एंड इट हैज अफेक्टेड ईच एंड एवरी एरेना ऑफ योर प्लानिंग, ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एवरीथिंग ऑफ योर डे टू डे लाइफ, है ना. तो क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन दिनों बहुत सारे करंट अफेयर आ रहे हैं. उनमें से एक करंट अफेयर है दिस वन, विच इज कॉल्ड DICRA, DICRA, Data in Climate Resilient Agriculture, राइट, डेटा इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर. अब सबसे पहले तो बिफोर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेट अस स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म रेजिलियंस. बच्चे, रेजिलियंस के दो मतलब निकलते हैं. एक रेजिलियंस होता है टू withstand डिफिकल्टी, टू withstand सम एक्सट्रीम इवेंट, है ना. तो आप माने जाओगे कि टफनेस, बेसिकली, तो यू दैट मींस कि टफनेस है टू विदस्टैंड, कि आपने रेजिस्ट कर दिया. दूसरा, रेजिलियंस का मतलब होता है कि हाउ फास्ट यू बाउंस बैक, हाउ फास्ट यू रिकवर. तो रेजिलियंस वर्ड के दो मतलब होते हैं, एक योर टफनेस, दूसरा योर रिकवरी, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर, कहने का मतलब कि आपका एग्रीकल्चर आपके चेंज होते हुए इन्वायरमेंट से कितना ज्यादा रेजिलियंट है, वो कितना ज्यादा टफ है, और अगर कुछ इफेक्ट होता भी है तो कितनी जल्दी वो बाउंस बैक कर रहा है, राइट. तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. हाउएवर, इस चीज को हमने क्लास में डिस्कस किया था, जिसका जो लिंक है, क्लास का जो लिंक है आपको नीचे भी मिल जाएगा बायो के अंदर. इसके अलावा आप जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारी वीकली जो क्लासेस होती है उसको जो है हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करके डालते हैं. तो आपका करंट अफेयर्स वाला जो जितना भी आपका मॉड्यूल है वो सारा का सारा आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं होती है. पूरे कोर्स का लिंक, जिसके अंदर हम आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन प्लस एडिशनल मटेरियल ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, कोर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चे मिल जाएगा. आइए, अब हमने समझ लिया कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है. नाउ दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन इज डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कि ऐसा कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है जिससे अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हो. बस इसको हम इतना ही समझेंगे, अब आगे चलते हैं. इट्स अ कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड विच प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी देख सकता है, और कोई भी इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है, ओपन एक्सेस है. इसका मतलब ये है, टू की जियोस्पेशियल डेटा सेट्स, ये यहां पे की है, पर्टिनेंट टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है जी. दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एनहेंस द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ दिस स्मॉल होल्डर फार्मर्स बाय शेयरिंग ओपन सोर्स डेटा फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पॉलिसी फ्रेमिंग, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है बच्चे, ठीक है जी. By the way, यहाँ पे एक चीज मिस हुई है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये हुआ है. नंबर वन, इट इज यूएनडीपी, ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा कि यूएनडीपी के प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन से बनते हैं. इंडिया में जो इसकी नोडल एजेंसी बनी है, दैट इज नबार्ड, और ये करंटली न्यूज में इसलिए आया कि तेलंगाना गवर्नमेंट के, तेलंगाना के अंदर जो है ये डिकरा जो है वहां के एमओयू, वहां पर यह साइन हुआ, तेलंगाना गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस, राइट. चलिए बच्चे, आगे चलते हैं, थोड़ा इसको हल्के में पढ़ते हैं. अब ज्यादा हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें रेजिलियंस का मतलब समझ में आना चाहिए. इसमें कौन सी दो एजेंसीज इन्वॉल्व है वो देखना है, और एजेंसीज के बारे में भी हम पढ़ते हैं. आइए आगे चलते हैं. डेटा, इट इज क्यूरेटेड बाय यूएनडीपी एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कहां पे, इन एग्रीकल्चर, एंड ऑलरेडी प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर 50 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड्स अक्रॉस इंडिया. तो डिक्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कोई नई चीज नहीं है. डिक्रा जो है ये एक नया एमओयू है, जो कि आपके यूएनडीपी और नबार्ड के बीच में काम ही वही करेगा जो पहले से होता है. गाइडेड बाय डिजिटल पब्लिक गुड प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एक्सेस, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन कोड एंड ओपन एपीआईज. एपीआईज होते हैं जो दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिट करते हैं, एपीआईज उनको बोलते हैं. पिछली वीडियो में हमने इसको भी जिक्र किया था बच्चे. चलिए बच्चे, आगे चलते हैं. जो दो एजेंसीज इन्वॉल्व है उसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं. नंबर वन इज योर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टास्क है टू हेल्प कंट्रीज टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. बेसिकली एनीथिंग टू डू विद डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इन द पुअर नेशंस, यूएनडीपी उसको फैसिलिटेट करता है, राइट, एज सिंपल एज दैट.
इट इज बेस्ड ऑन मर्जिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस 1 एंड यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज किया था और यूएनडीपी फॉर्म कर दिया गया था. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965 बाय होम यूएनजीए एंड बिकेम ऑपरेशनल इन 1966. ये पॉइंट आपके लिए जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे. इट क्या करता है? ये प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग, ग्रांट सपोर्ट, बेसिकली एवरीथिंग टू डू विद डेवलपमेंट. डेवलपमेंट अगर कहीं करनी है तो क्या क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये सब कुछ, ट्रेनिंग चाहिए, मैनफोर्स चाहिए, सब कुछ ये जो है प्रोवाइड करता है आपको. यूएनडीपी का बेसिकली ये काम है. और इसकी बहुत फेमस एक पब्लिकेशन है, इट इज एचडीआई, योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नबार्ड, ये तो आपको पता ही होगा. नबार्ड का मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमें बस ये ध्यान में रखना है इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 1982 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर नबार्ड एक्ट 1981, राइट. क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सच विलेज और रूरल प्रोजेक्ट्स. नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल लोन्स भी ये देगा, रूरल डेवलपमेंट स्मॉल बिजनेस के लिए लोन भी ये देगा. नबार्ड इज द नोडल एजेंसी. यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है. एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.